जय हिंद दोस्तों, आप सब कैसे हो। आज हम आपके लिए एक और नई भर्ती लाए हैं। हाँ जी दोस्तों, आज हम आपको एक और ARO भर्ती के बारे में बताने वाले हैं। यदि इससे पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी इस वीडियो को अधिक से शेयर करें, ताकि यह वीडियो अधिक से अधिक कैंडिडेट्स तक पहुँचे और वह अपनी तैयारी को शुरू कर सके। तो चलो दोस्तों, हम आपको आज जो भर्ती के बारे में बताने वाले हैं, यह भर्ती श्रीनगर ARO की तरफ से निकली हुई है। हाँ जी दोस्तों, यह भर्ती एक ओपन रैली है जो श्रीनगर ARO की तरफ से निकली हुई है। जो भी कैंडिडेट्स जो श्रीनगर ARO से जो भी कैंडिडेट्स आता है, वह इस भर्ती को देख सकता है। तो दोस्तों, जो ये भर्ती होने वाली है वो 27 मई से 5 जून 2020 के बीच में होने वाली है। जो यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो इसके ओपन जो रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन हो गए, वे 28 मार्च से शुरू हो जाएंगे और आप अपना जो आवेदन है वो 11 मई तक कर सकते हो। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हो, जो ये भर्ती होने वाली है वो श्रीनगर, पुलवामा, कुवारा, शोपिया आदि ज़िलों की होने वाली है। आप यहाँ पर ज़िले देख सकते हो कि किस किस ज़िले की है जो ये भर्ती होने वाली है। ये सभी ज़िले हैं। यदि आप इन ज़िलों से बिलोंग करते हैं तो आप इस भर्ती को देख सकते हैं। तो दोस्तों, जो ये भर्ती होने वाली है, ये बहुत ही अच्छी एक भर्ती है। जो श्रीनगर के जो कैंडिडेट्स हैं, वे इस भर्ती को देख सकते हैं। और दोस्तों, आपको एक बात और बता दें, जब यह भर्ती होगी तो आपको सुबह पाँच बजे आपको भर्ती स्थल पर पहुँच जाना है। तो दोस्तों, हम यहाँ पर यदि बात करते हैं कि किस किस कैटेगरी की जो यहाँ पर भर्ती होने वाली है, वो जनरल ड्यूटी सोल्जर ट्रेडमैन की यहाँ पर भर्ती होने वाली है। और जो 8वीं पास वाले कैंडिडेट्स हैं, उनकी भी यहाँ पर ट्रेडमैन की भर्ती होने वाली है। और दोस्तों, यहाँ पर हम बात करते हैं सोल्जर टेक्निकल की यहाँ पर भर्ती होने वाली है, और नर्सिंग असिस्टेंट की भर्ती और सोल्जर क्लर्क की यहाँ पर भर्ती होने वाली है। तो दोस्तों, यहाँ पर आप जो इसकी एज लिमिट है वो यहाँ पर आप देख सकते हो। जो सोल्जर GD के लिए यहाँ पर जो एज लिमिट है वो 21 वर्ष है, और जो ट्रेडमैन के लिए 23 वर्ष, और यहाँ पर 8वीं पास वाले कैंडिडेट्स के लिए भी 23 वर्ष, और जो टेक्निकल के लिए जो 23 वर्ष तक का कैंडिडेट्स है इस भर्ती को देख सकता है, और नर्सिंग असिस्टेंट और जो क्लर्क है उसके लिए भी आपको 23 साल तक वाले ही कैंडिडेट्स भर्ती को देख सकते हैं। और दोस्तों, यहाँ पर यदि हम हाइट की बात करते हैं, तो आप यहाँ पर इसकी जो हाइट है, वेट है, चेस्ट यहाँ पर आप देख सकते हो। आप यहाँ पर ट्रेडमैन की हाइट चेस्ट देख सकते हो, यहाँ पर ट्रेडमैन 8वीं पास वालों के लिए जो ये हाइट चेस्ट है वो सोल्जर टेक्निकल के लिए आप यहाँ पर आप देख सकते हो। हाइट जो 163 सेंटीमीटर, वेट की बात करें तो 48 सेंटीमीटर, और चेस्ट 77 सेंटीमीटर। और दोस्तों, यहाँ पर आप सभी इन्फॉर्मेशन देख सकते हो। और दोस्तों, जो नोटिफिकेशन है, यह आपको इंडियन आर्मी की जो ऑफिशियल साइट है, जॉइन इंडियन आर्मी, वहाँ पर यह आपको नोटिफिकेशन है जो मिल जाएगा। आप इस नोटिफिकेशन को आप डाउनलोड करके पूरी इन्फॉर्मेशन है वो इन्फॉर्मेशन आप देख सकते हो, कि आपको जो एजुकेशन क्या चाहिए। यहाँ पर सभी पोस्टों के लिए अलग अलग एजुकेशन है, यहाँ पर आप देख सकते हो। तो दोस्तों, जिस भी कैंडिडेट्स का यहाँ पर जो सपना है भारतीय सेना में शामिल होने का, वो इस भर्ती को देख सकता है। और दोस्तों, यहाँ पर हम आप बता दें, यदि आपके पिता या आपके बड़े भाई जो अभी भी आर्मी में, या एक्स सर्विसमैन के बच्चे वो जो आर्मी में सेवा दे चुके हैं, उनको यहाँ पर हाइट में 2 सेंटीमीटर, चेस्ट में 1 सेंटीमीटर और वेट में 2 किलोग्राम की यहाँ पर छूट मिलने वाली है। और दोस्तों, जो शहीदों के बच्चे हैं उनको भी यह सेम छूट यहाँ पर मिलने वाली है। और जिसके भी पास इंटरनेशनल, नेशनल, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट लेवल का जो सपोर्ट्समैन सर्टिफिकेट है, 2 साल पुराना तक यहाँ पर चल सकता है। आप यहाँ पर देख सकते हो 2 ईयर, तो वो इस भर्ती को देख सकता है और उसको यहाँ पर छूट मिलने वाली है हाइट, चेस्ट और वेट में। और दोस्तों, यहाँ पर यदि हम बात करते हैं जो इसकी रनिंग है, यहाँ पर आप देख रहे हो कि जो कैंडिडेट्स ग्रुप 1, यहाँ पर आप इस नोटिफिकेशन देख सकते हो। दोस्तों, यहाँ पर जो ग्रुप 1 में मारेगा उसको दोस्तों 60 मार्क पूरे मिलेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर आप टाइम देख सकते हो कि 6 मिनट यहाँ पर दिखाया गया, परंतु आपको पता ही है 6 मिनट हमने
हमें खुली भर्ती में नहीं मिलता, हमें सिर्फ मिलता 5 मिनट फर्स्ट ग्रुप के लिए, और दोस्तों सेकंड ग्रुप यहाँ पर दिखाया गया है जैसे कि 6 मिनट 15 सेकंड, परंतु ऐसा नहीं है दोस्तों। हमें सिर्फ खुली भर्ती में एक टाइम मिलता है 5, 10 या 5, 20 सेकंड ग्रुप के लिए। तो दोस्तों यहाँ पर आपका 60 नंबर की रेस होने वाली है, और दोस्तों यहाँ पर यदि हम बात करें आपको यहाँ पर पुल अप्स और के भी मार्क्स मिलते हैं, जैसे आपको 10 पुल अप्स यहाँ पर लगानी होती है जिसके 40 मार्क आपको यहाँ पर मिलते हैं। यदि आप 9 पुल्सअप लगाते हो तो 33, यदि आप 8 लगाते हो 27, 7 लगाते तो 21। तो दोस्तों आपको यहाँ पर पूरी जो पुल्सअप अपनी लगानी होगी जैसे आपको 40 नंबर यहाँ पर मिल सके। तो दोस्तों 100 नंबर का यहाँ पर फिजिकल आपका होने वाला है, और दोस्तों यहाँ पर आप जिक जाएंगे बैलेंस और आपको 9 फिट एक गड्ढा मिलेगा आपको, 12 बाफर आपको जो है उसको क्वालिफाई करना होगा। तो दोस्तों यहाँ पर बहुत सी इन्फॉर्मेशन आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं इस नोटिफिकेशन को जो इंडियन आर्मी पर जाकर। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको इतनी बताने वाले थे, तो आप अपनी तैयारी है जो आप शुरू करते हैं। तो जय हिंद दोस्तों, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें अधिक से अधिक। जय हिंद।